नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 7 का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कंचा। तो हम देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका वस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। प्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं भी सब उस वस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौए और सियार की। सियार कौए से बोला, प्यारे कौए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार तक कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते वस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। आप तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए, दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह वस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज की सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जार्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जार्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जार्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जार्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जार्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अबू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 35। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी
अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में वायलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है, उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो, अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत, मास्टर जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था। हाँ हाँ वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा, बिस्क पका गए, कक्षा में भूचाल आ गया, स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा, पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा कि फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, कंचे को देख ही ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, क्या किसी को कोई शक नहीं। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमंडी ने शंका का समाधान कराया, कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है, शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में, क्या सोच रहे हो, पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए, उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया, मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए, राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, उसने पैर खींच लिया, उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा, किधर, मास्टर जी ने पूछा, उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा, वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा, क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया, दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे,
इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को क्या साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे, घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंक चेक थामे उसके उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा, उससे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा, कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरा जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए हुए नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है? हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब सीसी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया, अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को, किस लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है, उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भींग गई।
उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते ही उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। इस पाठ के रचनाकार हैं टी पद्मनाभन। आप देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। कहानी से, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। अब अगला प्रश्न, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। उत्तर, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझ कर हंसने लगता है। अब प्रश्न तीन, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उसकी आवाज ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यान पूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई। अब है कहानी से आगे, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंदड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों के बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। उत्तर, हमारे इलाके में आप क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अधिक खेले जाते हैं। प्रश्न दूसरा, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, क्रिकेट खेलने की विधि, क्रिकेट का मैच दो टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं, 2 मैदान में व 1 दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल एक दिवसीय व पंच दिवसीय खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब है अनुमान और कल्पना। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्यों हुआ और आप उस पर उस दिन क्या गुजरी, अपने अनुभव लिखिए। उत्तर,
जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल ना था। मेरा अनुभव, बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था, घर में सब मेहमान आए थे, घर के बाहर तंबू लगा था। हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी ना आया, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छा गया था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया, तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो, पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। सच मुझे बहुत शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया तो वे भी हंसने लगी और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। अब अगला प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे? हम इस कहानी का शीर्षक देना चाहेंगे अप्पू के कंचे। अब अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानता है और क्या क्या अंतर है। उत्तर, गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को छाला जाता है, बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को छाला जाता है, बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। अब है भाषा की बात। नीचे दी गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांसें रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उत्तर, दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्य प्रकट करना। अन्य मुहावरे, हक्का बक्का रह जाना, मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, विस्मित होना, हैरान होना, ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए, सांस रोके हुए भयभीत होना, दम साधे हुए सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। अब अगला प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताजा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। उत्तर, ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया, खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती हैं, ताजा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मन में पानी आ जाता है, स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने हुए लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब है कुछ करने को। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है खोजकर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे, इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। उत्तर, ईदगाह कहानी में मेला देखने के लिए दादी के द्वारा दिए गए 3 पैसों से हामिद उनके लिए ही एक चिमटा खरीदता है, जबकि मेले में जब उसके साथी खिलौने खरीद रहे थे लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं लेता है। उसे बस यही याद आता है कि रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं और वह चिमटा खरीद लेता है। दूसरी तरफ कंचा कहानी में अप्पू का कंचा के प्रति इतना लगाव है कि वह कक्षा की फीस न जमा कर उन पैसों से ढेर सारे कंचे खरीद लेता है। दोनों कहानियों के आधार पर कक्षा में इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन आप लोग कर सकते हैं।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।